जब एक करप्ट आदमी मरता है तो उसकी सत्ता खत्म होती है, और जब एक सच्चा आदमी मरता है तो उसकी सत्ता शुरू होती है। टेररिज्म का कोई चेहरा नहीं होता, उसका धर्म सिर्फ पैसा। उसे कुछ भी याद नहीं है। बताओ तुम्हारे दिमाग में क्या है? मुझे और कुछ याद नहीं है साहब। वो अपने आप में एक इंडस्ट्री। तो फाइनली दोस्तों, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है बॉलीवुड के बेस्ट एक्टर सनी देओल की मच अवेटेड अपकमिंग मूवी की, जिसका ऑफिशियल टाइटल नेम क्या होने वाला है वो तो अभी तक मेकर्स ने नहीं क्लियर किया है। लेकिन हाँ दोस्तों, इसका एक टेम्पररी टाइटल नेम आउट कर दिया गया है, बाप ऑफ ऑल फिल्म्स। दोस्तों जब इस मूवी की पहली बार अनाउंसमेंट हुई थी तब इसकी एक टैगलाइन आउट की गई थी, खलनायक हो या हीरो मचा देंगे गदर। दोस्तों इस मूवी से सनी देओल का एक धांसू धमाकेदार नया लुक आउट कर दिया गया है, जिनके एक हाथ में हेलमेट और दूसरे में क्या है उसका तो अंदाजा लगा पाना भी मुश्किल है। एक तरफ ग्रीनिस और दूसरी तरफ फायरी बैकग्राउंड, बीच में सनी देओल गजब। दोस्तों इसी तरीके से बाकी एक्टर्स के भी इस मूवी के लुक आउट कर दिए गए हैं, और इस ऑफिशियल लुक के साथ यह भी कंफर्म कर दिया है कि सनी देओल का मूवी में नाम क्या होने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस मूवी में सनी देओल का नाम होने वाला है अर्जुन, जिसको अपना शानदार डायरेक्शन दिया विवेक चौहान ने, और वही इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया जी स्टूडियोज अहमद खान और सायरा अहमद खान के द्वारा। खबरों के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार इस मूवी को रिलीज किया जाएगा अगले साल यानी कि 2023 में, जिसे आप मे बी 2023 के समर सीजन में देख पाएंगे, और वही इस मूवी ऑफिशियल टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो बहुत ही जल्द आउट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कौन कौन है इस मूवी को लेकर एक्साइटेड, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और ऐसी मूवीज के ढेर सारे अपडेटेड वीडियोस हिंदी में देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साइड में दिया हुआ बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।